डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो एक ऐसे इंग्लिश वीडियो का हिंदी ट्रांसलेशन है जिसे 16 मिलियन बार देखा गया है। ये डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा और टॉम बिल्यू के बीच का एक इंटरव्यू है जिसमें जॉय डिस्पेंजा ये बताते हैं कि किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है और अपने माइंड को चेंज करके हम अपने ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपने अंदर की स्ट्रक्चर्स को बदल सकते हैं। ये 16 मिलियन बार देखा गया है। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा का नाम इसलिए भी फेमस है कि उनके बहुत सारे वीडियो हैं जो ऐसी असाध्य बीमारियों को ठीक करने के बारे में हैं जिनको रेगुलर साइंस से ठीक नहीं किया जा सकता, जिसे वो अपनी स्पेशल मेडिटेशन की टेक्निक से अपने माइंड को कंट्रोल करके ठीक करने का दावा करते हैं। यहाँ उसी कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में समझाया गया है कि किस प्रकार से ये माइंड काम करता है। तो आइए समझते हैं। हैबिट का मतलब ऐसे काम जो बिना सोचे हम करते हैं, यानी आदत बनी हुई है तो हम कामों को बिना सोचे कर लेते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और गाड़ी चलाने सीखने में तो आपको अपना कॉन्शियस माइंड यूज़ करना पड़ता है, पर एक बार जब आप सीख जाते हैं तो बिना कॉन्शियस माइंड के अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से आप गाड़ी चला पाते हैं। यानी कोई भी काम जब आदत बन जाती है तो बिना इमोशन के साथ, चाहे आप अच्छा फील करें या बुरा फील करें, आप करते हैं, बार बार करते हैं। इसी को हैबिट बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक बार माइंड में पैटर्न बन जाते हैं तो आपको मेहनत नहीं लगती उस काम को बार बार करने के लिए। तो मतलब साफ है कि ऐसा काम जिसे आप इतनी बार कर चुके हो कि अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने कॉन्शियस माइंड से, अब आपका माइंड बॉडी बन गया है, यानी कि अब आप बॉडी के हिसाब से काम करते हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है आप उस काम को कर देते हो, ऑटोमेटिक हो गए हो, यही हैबिट बनना है। तो समझते हैं कि लोग सुबह उठते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में, फिर सुबह उठ के वो रोज़ की तरह अपनी लाइफ की परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं। ये उनकी आदत है रोज़ की, क्योंकि वो ऐसा ही करते हैं। सुबह उठते हैं, अपनी लाइफ की परेशानियों के बारे में सोचते हैं। वो प्रॉब्लम्स उनके ब्रेन की फिक्स प्रॉब्लम या कहें मेमोरी या कहें न्यूरल सर्किट है, क्योंकि उनकी रोज़ की आदत पड़ चुकी है उन्हीं सर्किट पे, उन्हीं मेमोरी पे बार बार जाना, सोचना कि ज़िंदगी सही नहीं है, ख़राब है। वो बार बार सोचने से ही ऐसी बनी है। वो बुरी यादें पास्ट की बातों से, लोगों से, चीज़ों से जुड़ी हुई है कि पास्ट में किन बातों ने आपका दिल दुखाया, किन लोगों ने दिल दुखाया, किन चीज़ों ने आपको परेशान किया, और उस पुराने एक्सपीरियंस को ब्रेन एक मेमोरी या कहीं याद के रूप में, अनुभव के रूप में, इमोशनल एक्सपीरियंस के रूप में स्टोर कर लेता है। और आप सुबह उठ के रोज़ जब उस चीज़ के बारे में सोचते हो तो वो सोचना आपकी आदत बन जाती है। तो लोग सुबह उठते हैं तो पास्ट के अनुभव या कहें बुरे अनुभव या पास्ट की बुरी रिकॉर्डिंग जो उनके दिमाग में प्रोग्रामिंग की तरह बनी हुई है, वो सुबह उठते ही चालू हो जाती है। और हर याद का एक इमोशन होता है, एक बुरा एक्सपीरियंस होता है अगर वो बुरी याद थी तो। रोज़ उस बुरे एक्सपीरियंस के इमोशन को आप बार बार याद करते हो और वो और गहरा होता चला जाता है। तो जब आप अपनी पुरानी बातों पर रोज़ की तरह सुबह उठकर ध्यान देते हो तो आप दुखी हो जाते हो हैबिचुअली, आदत के स्वरूप, और बुरा फील करने लगते हो। तो जैसा आप दिन भर सोचते हो, यानी कि आपकी दिन भर की थॉट, और जैसा फिर आप दिन भर महसूस करते हो, उस सोच से आने वाली इमोशन, आप वैसे ही हो जाते हो। तो अगर आप रोज पुराने दुखी पास्ट को देखकर सोचकर दुखी होते हो तो वही आपका आने वाला फ्यूचर बन जाता है। तो अब अगर आप ये मानते हैं कि आपके सोचने से ही आपकी लाइफ में बुरा या अच्छा आप फील करते हो, पर आप पास्ट की बुरी बातों को रोज ही सोचते रहते हो, लगातार सोचते रहते हो, तो आप अपने पास्ट को रोजाना दोहरा रहे हो, उस बुरे एक्सपीरियंस को रोजाना दोहरा रहे हो। तो जब पास्ट की बातों को सोचकर आप दुखी होते हो तो बचने के लिए आप मोबाइल, सोशल मीडिया, ऐसी जगह पे जाकर कुछ देखने में, कुछ सुनने में लग जाते हो, ताकि आप उस बुरे फीलिंग से बच सको। और बस यही आपका रोज का रूटीन बन जाता है। देखें, अगर आप सुबह उठकर बाथरूम जाना, नहाना, नाश्ता, सेम रास्ते से ही आना जाना, तो ये सब एक रूटीन बन जाता है। तो आप एक रोबोट की तरह, एक कंप्यूटर की तरह, रोबोट की तरह रोज पुराने इमोशनल बटन को दबाकर रूटीनली सेम जिंदगी जीते हो, रोज बार बार। तो ये रोजाना सेम जिंदगी जीना है और आपका रूटीन अब एक प्रोग्राम बन जाता है, क्योंकि रोज सुबह उठ के बुरा सोचना, बुरा फील करना और उसके हिसाब से सोशल मीडिया देखना,
अब ये एक बुरी प्रोग्रामिंग बन गई है। तो 95% हम एक प्रोग्राम है जहाँ हमारी पुरानी आदत, बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन, अनकॉन्शियस हैबिट, हमारे बिलीफ, परसेप्शन, वो सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हमारे माइंड में प्ले होती है हर रोज़। तो ये जो 95% प्रोग्राम है, ये सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में एक रिकॉर्डेड प्ले है जो रोज़ सुबह उठते ही एक बटन की तरह चालू हो जाता है। तो जब आप बदलाव चाहते हो, वो भी अपने 5% रोज काम आने वाले कॉन्शियस माइंड से, तो आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को हरा नहीं पाते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस पैटर्न एक प्रोग्राम बन चुका है। आप अच्छी बॉडी, फैमिली, जॉब, मनी, नेम, फेम मांगते हो अपने 5% वाले कॉन्शियस माइंड से, और वो जाता है लौटकर अपने 95% सबकॉन्शियस माइंड की तरफ, जो कि एक पुराना रिकॉर्ड है। तो आप चेंज कैसे करोगे? तो आपको अपने एनालिटिकल माइंड से बाहर जाकर कुछ करना होगा, क्योंकि वही कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को अलग कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड ही एनालिटिकल माइंड है, और यही मेडिटेशन का रोल आता है, ध्यान का रोल आता है, क्योंकि मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद ब्रेन की वेव चेंज हो जाती हैं, और उससे जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहाँ पे ये पुरानी बातें 95% रिकॉर्डेड हैं, उनके अंदर चेंज आता है, एक ठहराव आता है। आप रोज़ की बातों को रिपीट नहीं कर रहे होते हैं, आप में एक ठहराव आता है, ऑब्जर्वेशन आती है अपने बिहेवियर को देखने की। ज़्यादातर लोग बुरे वक्त, क्राइसिस और ट्रॉमा का वेट करते हैं ताकि उस इमोशन से वो बदल जाए। यानी कि सडनली अगर आपके साथ बहुत कुछ बुरा होता है या बहुत अच्छा होता है, तो आपकी रेगुलर पैटर्न में थोड़ा चेंज आ जाता है। आप ठहर जाते हो, देखते हो कि मैं रोज़ क्या कर रहा हूँ, पर आप स्टेट ऑफ पेन की प्रोग्रामिंग को स्टेट ऑफ जॉय की प्रोग्रामिंग में नॉर्मली चेंज नहीं कर पाते हो, पर ये आप कर सकते हो। तो जब हम बदलना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा हमारा पुराना पास्ट का इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, उतने ही हम उसके साथ चिपके रहते हैं। यानी दुखी रहना भी एक आदत बन जाती है, क्योंकि हमें रोज़ रोज़ उस प्रोग्राम को एक रिकॉर्डेड प्ले की तरह बजाने की आदत पड़ जाती है। तो आप लगातार सेम एक्शन और रिएक्शन, यानी कि जो सेम इमोशनल बटन है, वो दोहराते रहते हो, और आप उस सर्किट से बाहर नहीं आ पाते हो। आप दिन भर में जितना ज़्यादा पुराने ख्यालों में रहोगे, वैसा ही पास्ट का दुख आप फील करते रहोगे, तो वो दिन भर आपका मूड खराब रखेगा। कई बार बुरा होने पर वो मूड और इमोशनल रिएक्शन कुछ दिनों तक बने रहते हैं। मतलब कई बार जब ये चीज़ आप शुरू में रोज़ रोज़ करोगे, रोज़ पुरानी बातें याद करोगे, बुरा फील करोगे, तो ये चीज़ आपका मूड बन जाएगी। आप बोलोगे कि मेरा मूड ख़राब चल रहा है, क्योंकि रोज़ सुबह उठते हो, बुरा सोचते हो, बुरा फील करते हो, पूरा दिन वैसे जाता है। तो ये चीज़ आपका मूड बनती है शुरुआत के समय में, पर अगर ये मूड कई हफ्तों और महीनों तक बना रहे, तो वो आपका टेम्परामेंट बन जाता है कि अरे, ये इंसान तो हमेशा ऐसा ही सड़ा सड़ा रहता है। और अगर यही टेम्परामेंट भी लंबे समय तक रहे, तो वो व्यवहार आपका पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है कि ये तो है ही ऐसा। तो कैसे इस ना बदलने वाले, दुख भरे, रिपीटेड इमोशनल एक्सपीरियंस को बदला जाए? वहीं से आप नेक्स्ट प्रोग्रामिंग को शुरू कर सकते हैं जो आपको बदल सकती है। कई बार ब्रेन पुरानी दर्द भरी बातों को इसलिए दोहराता है मन में, क्योंकि ब्रेन सर्वाइवल के लिए उससे बचना चाहता है। तो ब्रेन बार बार उन पुरानी यादों से सीखना और समझना चाहता है, पर एक्चुअल में वो सीखने समझने के बजाय उसी इमोशनल एक्सपीरियंस को अपने मन ही मन दोहरा रहा होता है। तो वो जो पुराने इमोशनल एक्सपीरियंस हैं, वो उसके माइंड में एक रेगुलर पैटर्न बना देते हैं। पर देखा जाए तो अगर सोच से, विचारों से अगर इमोशन आता है, तो लोग ज़्यादातर बुरी सोच को ही रिपीट करते हैं और बुरा महसूस करते रहते हैं, और अपने डर को ही, अपनी असफलता को ही रोज़ जीते रहते हैं, और इस सबकॉन्शियस पैटर्न को बनाकर, रिपीट करके वो एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो अगर आप रोज़ाना खुद से वादा करें कि नेक्स्ट 21 डेज में मैं इस पैटर्न को चेंज कर दूँगा चैलेंज देकर, तो आप अपने उस प्रोग्रामिंग के अंदर एक चेंज लाने की पॉसिबिलिटी बना देते हैं। तो अगर आप किसी से कहते हो कि आप ऐसा मत सोचो और ऐसा फील मत करो, या आप ऐसे से क्यों हो, तो वो कहेगा कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ है, पुरानी बातें बुरी हुई हैं, तो वो फिर दोबारा पुराने पास्ट के ख़राब इमोशन को ब्रेन में दोहराता है और एक बैड एक्सपीरियंस को बनाता है। तो वो उस पास्ट का एडिक्शन बना चुका है, उसी में वो रहता है।
और बार 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 पास्ट को दोहराने से उसके अंदर लिमिटिंग बिलीफ बन जाते हैं कि अब उसे लगता है कि वो बदल ही नहीं सकता। तो जब आप इन लोगों से बदलने को कहते हो तो ये लोग पुरानी यादों और इमोशनल एक्सपीरियंस को याद करते हैं, क्योंकि सेम नर्व सर्किट में वही विनिंग और वही चीज़ें चलती रहती हैं जो विनिंग ऑफ बैड इमोशन है, क्योंकि वायरिंग और फायरिंग उन्हीं न्यूरॉन्स में होती है जो आपकी पुरानी यादों को, जो पुरानी ख़राब यादों को दोहराती हैं। तो वही आउटकम निकल के आता है, आप 24 घंटे सातों दिन 365 दिन वही चीज़ चलती रहती है और वो साइकिल सेम थॉट सेम इमोशन की बनती रहती है, तो आपका प्रोग्राम चेंज नहीं होता। तो अगर आप नया डिसीज़न या चॉइस लेना चाहते हो तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन चुकी है, वो आपकी बॉडी बन चुकी है, वो आपकी कंफर्ट जोन बन चुकी है, और पुराने बिहेवियर आपके लिमिटिंग बिलीफ के साथ आपको याद दिला देंगे। और फिर एक बार आप पुराना आप बने रहोगे तो आप उसी को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर बदलना चाहते हो तो 21 डेज का चैलेंज खुद से करो और अपने आप को एक नया पैटर्न दो, ताकि आप उस पुराने पैटर्न को ब्रेक कर सको। तो अगर आपको इस पैटर्न को तोड़ना है तो आप बार 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 मेंटली रिहर्स करो अपने नए बिहेवियर को जो आप बनना चाहते हो। तो माइंड कल्पना और सच के इवेंट में फ़र्क नहीं कर पाता, और बार बार सोचने पर आप एक नया पैटर्न बना लेते हो, क्योंकि आपका माइंड एक सोची हुई थिंकिंग और एक रियल एक्सपीरियंस में फ़र्क नहीं कर पाता। तो बार बार करने पर अब ब्रेन पास्ट का एक रिकॉर्ड नहीं है, वो रिकॉर्डिंग नहीं है, अब ब्रेन में एक नया प्रोग्राम आ जाएगा, नया थॉट, नया इमोशन, नई पिक्चर ब्रेन में आ जाएगी। तो मेंटल रिहर्सल करने से, रोज बार बार करने से अब आप पास्ट की प्रोग्रामिंग नहीं हो, अब पुरानी यादों को जो कि एक हार्डवेयर की तरह, कंप्यूटर में हार्डवेयर उसका एक परमानेंट पार्ट है, तो पहले जो पुरानी यादें थी वो हार्डवेयर की तरह थी, पर बार 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 बोलने से आपने उस हार्डवेयर को चेंज किया है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। अब आपके अंदर चेंज हो सकता है, आप नए तरीके से बिहेव कर सकते हैं। अगर आप मेंटली रिहर्सल करते हैं रोज बार बार तो आप चेंज हो सकते हैं। सबसे मुश्किल काम होता है माइंड एंड बॉडी को इमोशनली किसी भी फ्यूचर के प्रोग्राम के लिए अच्छा फील कराना, क्योंकि आपको पुराना बुरा फील करने की आदत थी, तो ऐसा फील कराना कि आपको जो बार बार आप दोहरा रहे हो वो एक्चुअल लगने लगे। तो अगर आप अबंडेंस की फीलिंग लाना चाहते हो जो वेल्दी मिलने पर आती है, लव की फीलिंग लाना चाहते हो जो आपके अच्छे रिलेशंस के ऊपर आती है, तो आप वो चेंज ला सकते हो। यहाँ पर जो एक बात